मां माटी मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली पीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। সন্দেশখালির ঘটনায় যখন সারা রাজ্য মুখর, তখনই রাজ্যে এসে এই ইস্যুতে গর্জে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি বেছে নিলেন রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানকে। এদিন আরামবাগের জনসভাতে প্রধানমন্ত্রীর মুখে প্রথমেই উঠে এসেছিল রাজা রামমোহন রায়ের কথা, যে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন, নারী মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যে মহিলাদের কেন এই হাল, এই প্রশ্ন এই রাজ্যে এসে তুলে ধরলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামমোহন রায়ের জন্মস্থান থেকে বার্তা ছুড়ে দিলেন সন্দেশখালির দিকে। সবসে পহলে তো মেয়ে মাতৃশক্তি কো সামর্থ্য দেনে ওয়ালি ইস ভূমি কো প্রণাম করতা হুঁ, जहां बगल में ही खाना कुल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने जन्म लिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ्य दिया था। मैं खाना कुल की इस धरती को प्रणाम करता हूं, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्याण के लिए जी जान से जुटा हुआ। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राममोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। संदेश खाली ते बाबर संगे जा हुए छे तार बदला नेवार जन्य पूरो राज्य फुसछे बोले हुशियारी दें प्रधानमंत्री। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? প্রধানমন্ত্রী নিশানা এদিন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। স্বজনের মতো নেতাকে বাঁচাতে যেভাবে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে রাজ্যের সরকার, তার তীব্র নিন্দা করেন মোদী। টিএমসি কে নেতা নে সন্দেশ খালি মে বহনো বেটিও কে সাথ দুঃসাহস কি সারি হদে পার কর দি। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।
बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई ली, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब दो महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। এ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। মুঝে সবসে জাদা হেরানি ইন্ডি গঠবন্ধন কে বাকি নেতাও কো দেখকর হতি হ্যায়। ইন্ডি গঠবন্ধন কে বড়ে বড়ে নেতা সন্দেশ খালি পর আঁখ कान मुंह, गांधी जी को जो तीन बंदर दे रहे हैं उन तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? आप सुनकर के चौंक जाएंगे मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? এবারের নির্বাচনে এ রাজ্যে সন্দেশখালী যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে চলেছে তা নির্বাচন ঘোষণার আগেই স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বুঝিয়ে দিলেন বাংলার সমস্ত লোকসভা আসনে পদ্ম ফোটাতে সন্দেশখালী হবে প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার। সন্দেশখালীর মাহফিলের কান্না যেভাবে সারা দেশের মানুষের মন ভিজিয়েছে তারই জবাব চাওয়া হবে লোকসভা নির্বাচনে। মাধ্যম, ব্যুরো রিপোর্ট।